नमस्कार एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और ऐसे में पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। प्रचार प्रसार के अभियान शुरू हो चुके हैं और बीजेपी अपनी जो कई सौगातें हैं वो जनता को देती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताएं, इसी कड़ी में बात सामने निकल कर आई है कि कांग्रेस जो है वो कभी भी अपनी सूची जारी कर सकती है, दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है। जी हाँ, पहले कांग्रेस जो है बीजेपी पे तंज कस रही थी। जब उसकी सूची जारी हुई और दिग्गजों को मैदान में उतारा गया तो कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी डर रही है और इसी वजह से डर के कारण दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया। लेकिन कहा जा रहा है कि इसी की तर्ज पर अब कांग्रेस भी अपनी सूची जो है जारी कर सकती है और दिग्गजों को मैदान में उतार सकती है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी संदीप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, किस तरह से कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है और कब तक कांग्रेस की सूची जारी होगी? क्या लगता है आपको कि कौन कौन दिग्गजों के नाम इस सूची में जारी हो सकते हैं? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जहां कांग्रेस की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में 80 से 100 नामों के ऊपर मोहर लगाने की काफी उम्मीद जताई जा रही है कि 80 से 100 नाम फाइनल कर लिए गए। अब जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें कई दिग्गज नेता है जो बीजेपी को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, तो राऊ से एक बार फिर कांग्रेस जीतू पटवारी को उतार सकती है। देपालपुर से विशाल पटेल है, तो वहीं सावेर से रीना बोरासी का नाम भी सामने आ रहा है। सोनकस से सज्जन वर्मा, तो गंदवानी विधानसभा से उमंग सिंगार का नाम सामने आ रहा है। वहीं मनावर से हीरालाल अलावा के साथ साथ आगर मालवा से विपिन वानखेड़े को एक बार फिर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है। काला पीपल से कुणाल चौधरी का नाम सामने आया है, जहां से कांग्रेस कुणाल चौधरी के ऊपर दाव खेल सकती है। तो वहीं कसरावत जो विधानसभा सीट है वहां से सचिन यादव, तो खरगोन से रवि जोशी और राजपुर से बाला बच्चन को नाम सामने रखकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहीं इसी के साथ साथ कमलनाथ को भी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की जो बात सामने आ रही थी, लगभग उस पर मोहर लगाया जा सकता है। वहीं चाचोड़ा की अगर बात करें तो लक्ष्मण सिंह और राघोगढ़ से जयवर्धन सिंह का नाम है। तो वहीं खिलचीपुर विधानसभा से प्रेवत सिंह खींची का नाम लगभग तय माना जा रहा है। और ये जो नाम है इनके साथ साथ और अनेक चेहरे भी कांग्रेस की ओर से लगभग तय कर लिए गए, जिसमें पूरी की पूरी एक 80 से 100 नामों की एक पूरी सूची बनाई गई है, जिनके नामों पर कमलनाथ के द्वारा और जो केंद्रीय कि राहुल गांधी और जो अन्य नेता हैं उनके द्वारा सहमति बनाई गई है। जी, लेकिन क्या लगता है आपको कब तक ये सूची जारी हो सकती है? क्या शाम तक या कल तक ये सूची जारी हो जाएगी? मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार ये बात कही गई है कि पितृपक्ष जब जैसे ही खत्म होगा और जैसे ही आचार संहिता लागू होगी उसके तुरंत बाद ये सूची जो है हम सबके सामने आ सकती है। और इस सूची में बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं उनसे निपटने के लिए ही कांग्रेस अपने भारी भरकम नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है। और जो ये सूची आ रही है इसमें 80 से लगभग 110 जो नाम है वो फाइनल कर लिए गए। और ये जो नाम जो हमने अभी आपको बताया लगभग पूरे संभावित नाम है जिनको एक बार फिर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है। और जो लिफाफा जो आज बैठक बड़ी दिल्ली में आयोजित की गई थी, वो जो लिफाफा है वो कमलनाथ भोपाल लेकर आएंगे और यहां से जो आचार संहिता लागू होगी उसके तुरंत बाद में ही कांग्रेस अपने इन कद्दावर नेताओं को चुनाव मैदान में उतार सकती है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि पहले जब नाम नहीं आए होते तब कार्यकर्ताओं में जोश होता है, नेताओं में जोश होता है, लेकिन जैसे ही सूची जारी हो जाती है वैसे ही कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिलता है। क्या लगता है आपको, सूची के बाद किसी तरह का विरोध देखने को मिलेगा? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि इस बार कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए अपना कदम जो है वो फूक फूक कर रख रही है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं सूची आने में देरी हुई है। और जो कांग्रेस के द्वारा लगातार स्थानीय तौर पर सर्वे अलग अलग कराए गए हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पूरे सर्वे का मिलान कर एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने वाली है जो बीजेपी को तो टक्कर दे ही सही, बल्कि कहीं ना कहीं जो भीतरघात लगातार होता रहता है उससे भी निपटने में सक्षम हो, और कहीं ना कहीं जो विरोध कहीं ना कहीं कांग्रेस या प्रत्याशियों का होता है उससे वो प्रत्याशी निपट सके और एक ऐसे चेहरे को कांग्रेस सामने ला सके जो कहीं ना कहीं इस चुनाव मैदान में कांग्रेस की जीत दर्ज करा सके। और यही कारण है कि कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, और अपने इस बैठकों के दौरान कांग्रेस ये खोज रही है कि कौन सा जो प्रत्याशी है वो सबसे इफेक्टिवफुल विधानसभा में रहेगा और कौन सा बीजेपी के उन तमाम नेताओं को टक्कर देने में सक्सेस रहेगा जो
कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में भी लोकप्रियता हासिल कर सके। और यही कारण है कि जन आक्रोश यात्रा में भी कहीं ना कहीं एक सर्वे कराया गया था, जिसमें ये देखा गया था कि स्थानीय तौर पर किस नेता की छवि अच्छी और कौन सा नेता कार्यकर्ताओं को जन आक्रोश यात्रा में इकट्ठा कर पाया है। और इसी की तर्ज पर अभी कांग्रेस की जो फाइनल सूची है वो आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए एमपी न्यूज़। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।